हे गाइस, मैं हूँ देव और मैं हूँ अंकित और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने रैबिट्स को कौन कौन सी चीजें खाने में दे सकते हैं और कौन कौन सी चीजें खाने में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंकित भैया, आप हमें बताएं कि आपको इनको लाए हुए कितना टाइम हो गया और आप इनको क्या क्या चीजें फीड करा रहे हैं जिनसे इतना ज्यादा हेल्दी हो रखे हैं और इनका फर भी काफी ज्यादा शाइनी सा हो रखा है, मैं देख रहा हूँ। और ये भी बताएं कि इनको कौन सी चीजें देनी चाहिए जिससे ये अपने वेट को गेन करते रहें। इनको लेके आए हुए मुझे लगभग अभी 40-45 दिन हो गए। हाँ। और जब मैं इनको लेके आया था उस समय मुझे ये पता नहीं था कि दिल्ली में मैं इनके लिए ये ग्रीन ग्रास कहाँ से लेके आऊंगा। तो उस समय मैं इनके लिए मार्केट से गोभी के पत्ते लेके आता था। अच्छा। गोभी के पत्ते मुझे किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाते थे। हाँ। बट उसके बाद कुछ टाइम ऐसा हुआ जब फ्रेश गोभी आने लगे मार्केट में और ये पत्तों की कमी हो गई, फिर प्रॉब्लम हुई कि इनको क्या खिलाए। और 4-5 दिनों तक इनका जो है मतलब बुरा हाल था, ये कुछ खाते नहीं थे। वैसे ये रोटी ब्रेड वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, बट इनके लिए अगर कुछ अच्छी चीजें खिलानी हो तो उनको ग्रीन चीजें चाहिए, जैसे ये पत्ते हो गए, घास हो गए। अच्छा। बट इसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इन्हें पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, पुदीना ये नहीं देना होता। क्यों? इसका रीजन क्या होता है, इसके पीछे बताएंगे आप? इनको खाने के बाद इन्हें डायरिया हो जाता है। डायरिया में अगर इनके लूज मोशन एक बार स्टार्ट हो गए तो 90% चांसेस है कि आप अपने रैबिट को खो दोगे। हमने जाना इनसे कि हमें इनको पालक के पत्ते नहीं देने, पुदीने के पत्ते नहीं देने, और क्या नहीं देना? मूली के पत्ता नहीं देना हमें, है ना? ठीक है। तो इसके पीछे रीजन तो इन्होंने बता दिया कि डायरिया हो जाता है। और आप इनको दे सकते हैं, अभी हमारे सामने फिलहाल क्या है, हमारे पास दूब का घास है ना? दूब है ये। हाँ, दूब घास है सकते ये। हो, ये जो हमारे यहाँ लोकैलिटी में सबसे ज्यादा होती है ये घास दूब, और इन्हें ये बहुत पसंद से खाते हैं। आप देख सकते हो ये फीमेल रैबिट, इसने खाना खा लिया अपना, मतलब इसका पेट फुल है, ये सो रही है। ये मेल है, ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, तो ये खाना खाने के बाद भी अभी खेलने के मूड में है। अच्छा। और इसको देखो, ये अपना अपना एकदम आराम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है। अभी मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा तो ये अपने जीभ से मेरे हाथ को चाटने लगेगी थोड़ी देर में। ये करती है, ये नॉर्मल है, ये हाइपर एक्टिव है। Okay, ये होता है इनमें, मेल रैबिट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, और ये अगर आप ज्यादा इनको परेशान करोगे तो ये आपको काट भी लेंगे। अच्छा, आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में हर कहीं जगह तो नहीं है, या फिर इंडिया में, खैर किसी किसी जगह पे आपको इस टाइप का घास जो है हमें मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हर टाइम हमें ये घास नहीं मिल पाता, तो हम और हमें गोभी के पत्ते भी हमेशा नहीं मिलते, तो उस टाइम पे हम क्या दे सकते हैं इनको? उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो, खीरे जो होते हैं ककंबर, अच्छा, उनके छोटे छोटे टुकड़े काट के इनको दे सकते हो। उसके अलावा आप इन्हें दे सकते हो बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस आप इन्हें कैसे खिलाओगे? बॉइल्ड राइस ले लो और 2-3 धनिया के पत्ते ले लो, 2-3 धनिया के पेड़, पत्ते नहीं, पेड़ 2-3, और उनको बहुत स्मॉल स्मॉल काट लो, बारीक काट के उस चावल, हाँ उस चावल में मिला दो, बॉइल्ड चावल में, और वो चावल इन्हें दे दो, तो ये उसमें धनिया के स्मेल की वजह से उसको खाएंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये धनिया के पत्ते खाते हैं तो इन्हें धनिया बहुत ज्यादा नहीं खिला देना, क्योंकि धनिया का पत्ता जो है बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वो भी इन्हें प्रॉब्लम करती है। अच्छा, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या देना है और क्या क्या नहीं देना। आपको देनी है ग्रीन वेजिटेबल्स में, आपको दे सकते हैं आप क्यूकम्बर दे सकते हैं, इनके सबसे पसंद की चीज होती है कैरेट, वो तो आप कितने भी खिला सकते हैं इनको। बट ये भी है कि कैरेट बहुत महंगे होते हैं, हर समय मार्केट में नहीं मिल रहे होते, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ। तो आप इन्हें, अगर ये घास अवेलेबल है आपके लोकैलिटी में तो आप ये खिला सकते हो उन्हें, या फिर गोभी के पत्ते अगर अवेलेबल है तो वो खिला सकते हो। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो बॉइल्ड राइस में धनिया के पत्ते काट के खिलाओ, रोटी के टुकड़े दे दो, थोड़े गर्म रोटी हो तो ज्यादा अच्छे से खाते हैं, ब्रेड दे दो इन्हें, और इन सब में अगर थोड़ी बहुत बटर लगी हो रोटी या ब्रेड के साथ तो उसको और अच्छे से खाते हैं ये। अच्छा, चलिए ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने जान लिया कि आपको कौन सी चीजें देनी और कौन सी चीजें अपने नहीं देनी अपने रैबिट्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।